हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों अगर आप भी अपने फ़ोन से कुछ इस तरह का सरस्वती पूजा समिति का ग्रुप बैनर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आराम से बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखना है ताकि आप खुद से ऐसे ग्रुप बैनर बना सको। दोस्तों इसका PLP फाइल मैं आपको दे दूँगा। PLP फाइल में पासवर्ड लगा होगा और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में 2 स्टेप में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखिएगा ताकि आपको PLP फाइल का पासवर्ड मिल जाए और जिप फाइल को आप अनजिप कर सके। तो चलिए दोस्तों समय न गवाते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन द्वारा आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों अपने फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। बीच में दिखेगा कुछ इस तरह का आपको न्यू टैक्स। सबसे पहले दोस्तों यहां से न्यू टैक्स को रिलेट कर लेंगे। दोस्तों न्यू टैक्स को रिलेट करने के लिए लेफ्ट साइड में ऊपर रिलेट का बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे तो ये न्यू टैक्स यहाँ से रिलेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं जो आपको PLP फाइल दूंगा उसको ओपन करना है। दोस्तों अगर आपको PLP फाइल डाउनलोड करने नहीं आता, ओपन करने नहीं आता और पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ऐड करने नहीं आता तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वहां से वो वीडियो देख करके आप PLP फाइल डाउनलोड करना और पिक्सल लैब में ऐड करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं अपना PLP फाइल आपको ओपन करके दिखाता हूँ। PLP फाइल ओपन करने के लिए सिंपली आपको राइट साइड में सबसे ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है। सबसे नीचे से तीसरे नंबर ओपन PLP फाइल पे चले जाएंगे। तो जैसे ओपन PLP फाइल पे जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल सकता है। अगर आप भी अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में PLP फाइल ऐड करके रखोगे तो कुछ इस तरह से। यहाँ से आपको जिसका पोस्टर या बैनर डिजाइन करना है दोस्तों उसको सिलेक्ट कर लेंगे। एक बार ओके करके हम कुछ इस तरह से एक बार बैक आ जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा PLP फाइल कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है। दोस्तों अगर आप इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों सबसे ऊपर लिखा हुआ है कुछ इस तरह से जय माँ सरस्वती, उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा नवयुवक सरस्वती पूजा समिति, जो कि आप देख सकते हैं। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। दोस्तों इसको मैंने यूनिकोड के सहायता से लिख रखा है। दोस्तों अगर आपको यूनिकोड निकालने आता है तो यूनिकोड निकाल करके आप बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। अगर आपको यूनिकोड निकालने नहीं आता है तो इसके लिए दोस्तों आपको एक अपने फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है दोस्तों इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर। उसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों चलिए मैं बता देता हूँ कि लिखेंगे कैसे। तो इसको हम मिनिमाइज करके इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। दोस्तों इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों आपको यूनिकोड श्रीदेव दिखेगा, उसके नीचे दिखेगा दोस्तों यूनिकोड कृति देव। तो आपको कृति देव वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो जैसे दोस्तों सरस्वती पूजा समिति हमने वहाँ पे लिख रखा था, आपको जो भी लिखना है आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। तो चलिए मैं कुछ लिख लेता हूँ, कुछ इस तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख लिया हूँ माँ शारदे सरस्वती पूजा समिति। इसको दोस्तों नीचे आएंगे थोड़ा यूनिकोड कृति देव आपको नीचे मिल गया होगा, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे और दोस्तों नीचे देखेंगे कुछ इस तरह से यूनिकोड निकल चुका है। तो इसको दोस्तों यहाँ से कॉपी कर लेंगे और सीधा हम अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में चले जाएंगे, इसको ओपन कर लेंगे। जो हमने लिख रखा था दोस्तों नवयुवक सरस्वती पूजा समिति, इस पर जा करके यहाँ पे सबको दोस्तों बैक कर देंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह से और यहाँ पे कर देंगे ओके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमने यूनिकोड अपना वहाँ से निकाला था वो परफेक्ट यहाँ पे आ चुका कुछ इस तरह से। दोस्तों आप अपने हिसाब से ऊपर में लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना होगा। उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ एड्रेस, जो भी आपका स्थान होगा पूजा स्थान होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये भी दोस्तों हमने यूनिकोड के सहायता से लिख रखा है। तो यूनिकोड निकालना हमने आपको बता दिया है, तो आप किसी भी चीज़ का यूनिकोड निकाल के वहाँ से यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों हमने लिख रखा है समस्त ग्राम
वासियों को सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस हिसाब से अगर इसमें भी अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो ये तो दोस्तों यूनिकोड के बिना है, इसमें कुछ भी यूनिकोड नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे, सिंपली यहाँ से ओके कर देंगे कुछ इस तरह से। उसके नीचे आएंगे दोस्तों तो मैंने 10 फोटो लगा रखा है, अगर इसमें आप फोटो या फोटो पीएनजी कुछ भी लगाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से लगा देंगे। तो ये सारा फोटो दोस्तों आप चेंज कर सकते हैं बहुत ही इजीली है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो को, जिस फोटो को दोस्तों आपको चेंज करना है उस पर कुछ इस तरह से देख सकते हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया है, बीच वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे दोस्तों बीच में एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा टेक्सचर का, इस पर चले जाएंगे, यहाँ से दोस्तों डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे डिलीट करेंगे तो फोटो यहाँ से डिलीट हो जाएगा सेम इस तरह से। यहाँ पे दोस्तों आपको फाइल का ऑप्शन आ चुका है, अब जैसे फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप अपने डिवाइस के गैलरी में चले जाएंगे और वहाँ से जो फोटो या फोटो पीएनजी आपको लेना है इस पर लगाने के लिए वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं एक फोटो आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। दोस्तों हमने एक फोटो सिलेक्ट कर लिया है, इसको लेफ्ट साइड में दोस्तों वन बाय वन में कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे फोटो को ऊपर नीचे और नीचे से कर देंगे राइट कुछ इस तरह से। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे इनेबल कर देंगे, यहाँ से कर देंगे राइट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं परफेक्ट ये फोटो हमारा फिट हो चुका है। तो इसी तरह से आप सारा फोटो, जितना फोटो, कम से कम 10 फोटो दोस्तों आप लगा सकते हैं इसमें, सब चेंज कर लेंगे। सारा फोटो चेंज करने के बाद दोस्तों कम्प्लीटली आपका सरस्वती पूजा समिति का बैनर बनके तैयार हो जाएगा। इसको दोस्तों आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। दोस्तों गैलरी में सेव करने के लिए सबसे ऊपर बीच में एक शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नीचे देखेगा दोस्तों आपको कस्टम, कस्टम पे क्लिक करके सबसे नीचे अल्ट्रा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे सेव टू गैलरी। जैसे सेव टू गैलरी करेंगे दोस्तों ये बैनर बन के आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।